क्योंकि व्यक्ति को जब किसी तरह की लत लग जाती है तो वह किसी भी तरह का माहौल नहीं देखता है। इसी लत को खत्म करने के लिए आज हम बात करेंगे निकोटेक्स गम के बारे में। निकोटेक्स गम क्या है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट और इन बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। यहां पर निकोटेक्स टेबलेट का ब्रांड दिया गया है, ये बताया गया है आपको किस तरह से यूज करना है। ये मिंट फ्लेवर में है, चलिए इसके पीछे देख लेते हैं। इसमें निकोटेन होता है 4 mg, ये 2 mg में भी आता है। ये सिप्ला हेल्थ लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ये बताया गया है आपको किस तरह से इसको यूज करना है, जो मैं आपको आपको बताऊंगा किस तरह से आपको यूज करना है। इसकी पैकिंग भी काफी अच्छी है, उसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसमें कितनी टैबलेट है और क्या पैकिंग है इसकी। ये देखिए इसमें 9 टैबलेट है और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। इसकी एक्सपायरी भी बता दूं मैं और एमआरपी, इसकी एमआरपी 75 rupees है 9 टैबलेट की और इसकी एमएफजी है मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2018 और इसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 2019। चलिए इसको बॉक्स में रखते हैं और आगे बात करते हैं कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। इस निकोटीन क्या होता है, निकोटेक्स एक निकोटीन चिंगम है जो 12 सप्ताह में सिगरेट की लत को छुड़ाने में मदद करती है। इसे चबाने से सिगरेट की लत खत्म होती है और निकोटीन गम को अन्य दूसरी गमों की तरह यूज नहीं किया जाता। इस गम को धीरे धीरे चबाना चाहिए, जब तक चबाना चाहिए तब तक कि इसका फ्लेवर खत्म नहीं हो जाता है। इसको कम से कम 30 मिनट तक यूज करना चाहिए। इसके फायदों के बारे में बात करते हैं, स्मोकिंग की लत को छोड़ने में धीरे धीरे मदद करती है। ये किसी भी तरह की पान, गुटखा, सिगरेट और अन्य तरह के तंबाकू और बीड़ी को भी छोड़ने में ये मदद करती है। निकोटीन ये एक तरह की मेडिसिन है, वैसे भी किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से नॉर्मल साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, इसमें भी नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं, जैसे उल्टी होना, चक्कर, घबराहट, किसी भी तरह की रेसेस होना या पेट में दर्द होना या उल्टी की इच्छा बहुत ज्यादा होना, इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट होते ही हैं। वैसे भी यूज करते करते धीरे धीरे इस तरह की नॉर्मल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। निकोटीन के साथ आपको किन किन मेडिसिनों को नहीं लेना चाहिए, एल्प्राजोलम, एम्फेटामाइन, एरिप्राजोल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्पिरिन, एटोरवास्टेटिन, सेट्रेजिन, ल्यूसेट्रेजिन, कोलेकॉल्सिफेरॉल, साइनोकोवालामिन और डिलोक्सेटिन आदि मेडिसिनों के साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए। इस टेबलेट का यूज आपको 6 से 8 घंटे के अंतराल से करना चाहिए, जिसके एक टेबलेट जैसे आपने अभी ली तो उसके 6 से 8 घंटे बाद आपको दूसरी टेबलेट लेना है। और यदि आपने सोच लिया है कि मुझे ना धूम्रपान को छोड़ना ही है तो आपको कम से कम 3 महीने तक इसको यूज करना पड़ेगा। अब 3 महीने के अंदर अंदर आप, मेरी गारंटी है कि आप इसको स्मोकिंग को या किसी भी तरह के नशे को आप छोड़ सकते हैं। वैसे भी नशा किसी भी तरह का हो आप तो अपना नुकसान करते ही हैं और आप जो बगल में बैठे हुए हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं, आप बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए आप बीमारी पैदा कर रहे हैं, कैंसर पैदा कर रहे हैं, आप फेफड़ों की बीमारी पैदा कर रहे हैं, कितनी सारी बीमारियां चल रही हैं आजकल स्मोकिंग की वजह से। वैसे भी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, काफी एनजीओ है जो इस चीज के लिए काफी उत्साहित हैं, इसको खत्म करने के लिए उत्साहित हैं और काम कर रहे हैं जो काफी सालों से, तो लेकिन आपके बगैर ये संभव ही नहीं है। आपको छोड़ना होगा, आपका दृढ़ संकल्प करना होगा कि मुझे इस तरह की कोई स्मोकिंग नहीं करना, गुटखा नहीं खाना है। और इसकी वजह से आप जानते हैं, सब कुछ पता रहता है कि इसके पीछे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, किससे कैंसर हो जाती है, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है, लेकिन फिर भी आप, मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों यूज करते हैं। आप अपने माहौल को भी खराब कर रहे हैं, खुद को भी बीमार कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को भी बीमार कर रहे हैं। वैसे भी एक बात और मैं बता दूं, आप जब भी इसको यूज करें तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और मैं आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी लाता रहूं।